तो दोस्तों फाइनली टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो रिलीज है 3.0 उसका बीटा वर्जन है जो पोर्टल पे आ चुका है। लेकिन अगर आप टेली सॉफ्टवेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको अभी भी ये जो रिलीज 2.1 अभी आपको ये शो करेगा। लेकिन आप चाहते हो भी आप 3.0 को डाउनलोड करके उसके अंदर जो नई चेंजिंग हुई है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर 3.0 नई रिलीज के अंदर उसका आप एक बार यूज करके देखना चाहते हो, तो दोस्तों जो नई चेंजिंग हुई है हम मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है टेली प्राइम का बीटा वर्जन। तो मोस्टली जो चेंजिंग हुई है वो है जीएसटी रिपोर्ट को लेके। तो अभी तक हमारे सामने कुछ इस तरीके की रिपोर्टें नहीं आती थी, विशेषकर ये जो हमारा जीएसटीआर 1, 2A, 2B चलान का रिकंसलेशन, 3B का रिकंसलेशन, इस तरीके की जो रिपोर्टें हम पैसे देके टीडीएल को परचेज करके तब हम इन सभी का यूज कर पाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब ये 3.0 के अंदर आपको बिना किसी टीडीएल के आप इन ऑप्शन का यूज कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। तो अब मेन बात ये रहेगी भी आप इस 3.0 के इस रिलीज को डाउनलोड किस तरीके से करोगे, क्योंकि आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो किस तरीके से यूज करना है इस वीडियो को देखना, आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें 3.0 की रिलीज की, तो 3.0 का जो नया रिलीज है ये उन सभी पेड यूजर्स के पास ईमेल के थ्रू पहुंचा हुआ है, यानी कि जो अकाउंटेंट है या जो कंपनी है वो टेली सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी यूज कर रही है, उनके पास लाइसेंस वर्जन है, तो उनके पास में ये ईमेल के थ्रू ये रिकॉर्ड है जो पहुंचा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो टेली प्राइम का रिलीज 3.0 सर्वर है, इसका डेवलपर है, तो ये कुछ तरीके से जो भी इसके वर्जन है 3.0 के ये अभी तक बीटा वर्जन के अंदर आए हुए हैं, और उसके अंदर क्या कुछ नई चेंजिंग हुई है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में है। जैसे कि आप जीएसटी की रिपोर्ट को रिकंसलेशन कर सकते हो, मल्टीपल जीएसटी का यूज कर सकते हो, पावरफुल रिपोर्ट्स का यूज कर सकते हो फिल्टर लगा के आप, तो कुछ इस तरीके से काफी सारी नई चेंजिंग इसके अंदर हुई है। तो दोस्तों इससे पहले हमारे पास में अल्फा वर्जन टेली प्राइम का 3.0 का ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका था, जिसके अंदर ये जो नई चेंजिंग हुई है टेली प्राइम के अंदर उसके बारे में हमने सभी पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। अगर आप जाते हो भी 3.0 के अंदर आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा तो आप हमारे चैनल पे जाके उन सभी वीडियो को आप देख सकते हो। लेकिन अब बात आई भी आप इसको डाउनलोड किस तरीके से करोगे, अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आपके पास मोस्टली ये मतलब डेफिनेटली आपके पास ये मेल आ चुकी है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एक नए फ्रेशर अकाउंटेंट है, डेमो के लिए आप इसको यूज करना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस 3.0 का लिंक दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो लिंक डायरेक्ट इस पोर्टल पर ले आएगा, यहाँ से आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हो टेली प्राइम या टेली प्राइम एडिट लॉग, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको वैसे ही इस तरीके से सेटअप आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से ये हमारे सामने टेली प्राइम का सेटअप मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप ओवरराइट करना चाहते हो जो आपके पास पहले बनी हुई है उस लोकेशन पे, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप नया एक एप्लीकेशन इसका जो पाथ है जो क्रिएट करना चाहते हो तो इंस्टॉल न्यू पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक एप्लीकेशन पाथ नया क्रिएट हो जाएगा। एप्लीकेशन का नेम तो टेली प्राइम है, ये रिलीज इसका 3.0 है, और आपका इस लोकेशन पे इस पाथ पे आपका टेली प्राइम का जो नया सेटअप है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और आपको सिंपल यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे और इंस्टॉल होने के बाद में हमारे सामने ये टेली प्राइम इस तरीके से ओपन हो जाएगा। लेकिन वाउचर एंट्री करने का जो तरीका था वो पहले भी 2.1 के अंदर वैसे था और इसके अंदर भी वैसा ही है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा जो चेंजिंग हुई है और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो है जीएसटी की रिपोर्ट को लेके। अगर हम जीएसटी की रिपोर्ट पर जाएं तो जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे अभी आप जो यूज कर रहे हो 2.1 तो उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, ये ऑप्शन आपको 3.0 का सेटअप इंस्टॉल करने के बाद ही आपको ये सारा डाटा मिलेगा। तो इसके अंदर काफी सारे रिपोर्ट्स हैं, हम इसको इजीली रूप से और अच्छी तरीके से व्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस 3.0 का जो रिलीज डाउनलोड करोगे उसके बाद आप अपने अकाउंटिंग मेंटेन करोगे, और अकाउंटिंग मेंटेन करने के बाद फिर आप इन ऑप्शन का सही तरीके से यूज कर पाओगे भी हम किस तरीके से इन ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आप इसके अंदर और ज्यादा अच्छे से सीखते जाओगे। और वैसे भी हम इस टेली प्राइम 3.0 का जो नया बिल्कुल रिलीज है 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक,
वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस YouTube चैनल पे हम बिल्कुल क्लासे हैं जो स्टार्ट कर रही हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन अकाउंटेंट लोगों के पास भी पहुँचे जिनका सपना एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनने का, और उन लोगों के पास भी पहुँचेगी जिन्होंने अपना अकाउंट्स के फील्ड में कैरियर भी बनाना है। तो बिल्कुल आप हम आपको जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से ये सारी बातें सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।